हाँ देखिए, हार्ट का जब नाम आता है तो ब्लड प्रेशर का नाम आता है। प्रेशर जो अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर एक इंडिकेट करता है कि भाई आपके हार्ट में ऑलरेडी देर आर और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में देर आर ब्लॉकेजेस। तो मान लो जैसे ये ब्लड वेसल है, ये जितना कम होता जाएगा इसकी डायमीटर, उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि यहाँ पे ब्लॉकेज होता जा रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चिपकता जा रहा है, तो जो इफेक्टिव डायमीटर वो कम होता जा रहा है। डायमीटर कम मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा। तो ऐसे में दवाइयाँ लेंगे तो दवाइयाँ हार्ट को वीक करती है, किडनी को वीक करती है, लेकिन उस ब्लॉकेज को नहीं हटाती है। तो ये बात हमें समझना होगा कि हाइपरटेंशन की जो दवाइयाँ हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट को ख़राब कर सकती हैं, उसको सुधार नहीं सकती है। सुधारने के लिए तो वही तरीका है जो मैंने आपको बताया। एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता है, वो ये, मान लो आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया है तो आप क्या करेंगे? तो बिना पैनिक किए आप एक बाल्टी दीजिए, उस बाल्टी में पूरा गर्म पानी रखिए 45 डिग्री सेल्सियस पे और पैर दोनों डुबो दीजिए। ऐसा 20 मिनट करेंगे, 30 मिनट करेंगे और साथ साथ पानी ठंडा होता जाए तो एक और मग से जिसमें ज़्यादा गर्म पानी है ट्रांसफ़र भी करते रहिए, ताकि पानी जो बराबर 45 डिग्री के आसपास ही रहे। ऐसा आप आधा घंटा पौना घंटा करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, अबाउट 20% ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज की तरफ हो जाएगा। 160 था तो 140 रह जाएगा सिस्टोलिक, तो और डायस्टोलिक 10% बढ़ जाएगा। तो मतलब ये आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली आप जो पैर को गर्म पानी में डाल रहे हैं तो ब्लड वेसल जो ऐसा था, कंस्ट्रिक्ट था, वो डायलेट होता है। डायलेट मतलब उसका डायमीटर थोड़ा बढ़ जाता है, 0.1 मिलीमीटर फॉर एग्जाम्पल, और उससे ब्लड को ज़्यादा जगह मिल गई तो ब्लड का फ्लो का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो गया, तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ब्लड प्रेशर घटाना है तो दवाई की जगह ये आप स्ट्रेटजी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज कर लीजिए आधे घंटे, तो कुछ दिन करेंगे उसके बाद बिना किए भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम है, मान लो ऐसे भी लोग हैं जिनके ब्लड प्रेशर कम रहते हैं, मान लो 90/60 राइट, और उससे आपको कमजोरी महसूस हो रहा है, डिप्रेशन महसूस हो रहा है, तो उसको थोड़ा बढ़ाने की ज़रूरत है। बढ़ाना भी आसान है, आप कॉफ़ी लीजिए, रॉ कॉफ़ी, कॉफ़ी लेके एक चम्मच एक कप गर्म पानी में डाल के उसको चाय की तरह पीजिए दिन में 2 बार, आपका ब्लड प्रेशर 20% बढ़ जाएगा। तो ये है कि ब्लड प्रेशर को घटाना बढ़ाना बड़ा आसान काम है नेचुरल तरीके से। अगर आप इसी चीज़ को ड्रग के माध्यम से करेंगे तो आप एक बीमारी के जाल में फंस जाएंगे, लेकिन अगर इसको नेचुरल तरीके से करेंगे तो कुछ दिन बाद उसको बंद कर देंगे करना, लेकिन ब्लड प्रेशर एक नए लेवल पर पहुँच गया, जिस लेवल पर आप लाना चाहते थे उस लेवल पर रहेगा और आपके हार्ट को और आपके बॉडी को सपोर्ट भी करेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और टेक्निक्स हो सकते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने के लिए। यू कैन डू माई इमरजेंसी एंड पेन मैनेजमेंट, एक ट्रेनिंग है हमारी, वो भी आप कर सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके, या उससे जुड़े हुए वीडियोज भी आने वाले दिनों में मैं अलग अलग जगह पे इंक्लूडिंग दिस वेबसाइट भी मैं उसको स्प्रेड करने की कोशिश करूँगा। कि ये तो 2 टेक्निक मैंने आपको बताए, इस तरह के बहुत सारे टेक्निक इंक्लूडिंग हॉट वाटर इमर्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया राइट। तो ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटजीज हैं जिस स्ट्रेटजी से आप अपने हार्ट हेल्थ को बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, स्ट्रांग रख सकते हैं। और हर हाल में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं उनको अपना हीरो मत बनाइए, वो अपने दुनिया को जो दिखाते हैं अंदर से वो होते नहीं है, और जो अंदर से होते हैं वो बड़ा ही खतरनाक होता है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है इस आने वाले दिनों में, टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट हेल्थ।